हेलो भाई, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम टीवीएस राइडर का रियल माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो भाई, इसके लिए हमने गाड़ी की टंकी करवाई है फुल। अब इसमें भाई एक दिन में टेस्ट नहीं होगा, तो 5-6 दिन 7 दिन कितने भी लग सकते हैं। मैं रोज डेली क्लिप कर करके आपको किलोमीटर दिखा दिखा के आपको भाई टेस्ट बताऊंगा पूरा। तो भाई, अभी हमने टंकी फुल करवाई, आप देख लो ये निशान तक टंकी भरी है। और आप सब जानते हैं भाई, इसकी जो टैंक की फ्यूल कैपेसिटी है वो होती है अबाउट 10 लीटर। तो इतना ही कुछ इसमें तेल आया भाई। तो अभी अपन चलते हैं डिस्प्ले पे, मैं फिर बता रहा हूँ भाई। एक दिन का काम नहीं है, इसमें 5-6 दिन लगेंगे। तो भाई, मैं रोज डेली का जो है वीडियो की स्टेटस आपको बताता रहूंगा कि किस लेवल पे गाड़ी है। अभी अपन डिस्प्ले पे चल रहे हैं भाई। यहाँ पे आप देखो 1044 टोटल किलोमीटर चली है ये गाड़ी अभी तक। आप फिर से नोटिस कर लो 1044 किलोमीटर, क्योंकि भाई अलग अलग दिन के अलग अलग किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई, फिर यहाँ पे अपन ट्रिप जो है इसको जीरो कर रहे हैं अभी, क्योंकि टैंक फुल अभी करवाया हमने। जस्ट पेट्रोल पंप के थोड़ी दूरी खड़ा हूं मैं। तो यहाँ पे भाई अपन ने जीरो कर ली ट्रिप ए, और ट्रिप बी जो है यहाँ पे 149.4 किलोमीटर दिखा रहा है। और भाई, अगर रेंज की बात करें तो बाइक यहाँ पे रेंज अभी कुछ भी नहीं दिखा रही है, टंकी फुल है। आप देख लो चारों पिलर व्हाइट और एक रेड वाला भी पूरा फुल है। 1044 किलोमीटर फिर से आप याद रखना भाई, बहुत काम आएगी, क्योंकि 5-6 दिन होंगे तो उसमें अलग अलग रीडिंग में आपको दिखाऊंगा अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से। हेलो भाई, मैं हूँ रवि सर। अभी हम लोग आ रहे हैं भोपाल से। भाई, बाइक जो है अभी तक चल चुकी है टोटल 1187 किलोमीटर, और टंकी हमने फुल करवाई थी, उसके बाद हमने क्या ट्रिप जीरो कर दी थी। तो भाई, एक बार वो करके दिखाना कब करवाई थी अपन ने। जी भाई, टंकी फुल करवाने के बाद 142.8 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब देखना ये है भाई कि यहाँ पे जो ये पहला वाला जो पिलर है वो कब गिरेगा, मतलब कि पहला कितने किलोमीटर पर पहला वाला पिलर डाउन हो जाएगा, ये अपन को पता चल जाएगा आगे। जब भी ये पिलर डाउन होगा मैं एक बार शूट करके आपको बता दूंगा भाई कि पहला पिलर डाउन हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी बता दूंगा। फिर यहाँ पे अपना एक एवरेज जो है वो निकल के आ जाएगा कि फुल टैंक करवाने के बाद गाड़ी कितना किलोमीटर चल सकती है। तो भाई, यहाँ पे आप वीडियो में बने रहें भाई, मैं आगे 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 बनाता रहूंगा, क्योंकि भाई एकदम कंटिन्यू इतना लंबा बनाना पॉसिबल नहीं है। बाकी ऑनेस्टली मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा भाई। तो अभी अपन करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं। बीच में हमने थोड़ा रेस्ट के लिए रुके थे, चलो भाई। हेलो, अभी हम 2.5 किलोमीटर ही चले लगभग, मतलब पहले आपने देखा उससे अभी किलोमीटर में भाई थोड़ा ही डिफरेंट आया है, मतलब 144.7 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख लो पिलर जो है वो जो लास्ट वाला जो पिलर था वो डाउन हो चुका है, मतलब गायब हो गया, मतलब ये यहाँ पर पहला पिलर डाउन हो गया। तो पहला पिलर जब अपना गया है उसका जो पूरा टोटल किलोमीटर है वो है 144.9 पे ये मतलब टपक गया भाई, अभी जस्ट ही गया। तो दोस्तों, अपन इस गाड़ी को थोड़ा खींच लेते हैं, मतलब कि थोड़ा भगा लेते हैं, 80-90 से भी ऊपर तक भगा लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे मतलब 30 का भी 30 की स्पीड 40-50-60-70-80-90 मतलब 100 तक की स्पीड का टोटल अपन को एक एवरेज टाइप का निकालना है भाई, पहले गियर में दूसरे गियर में, क्योंकि घर पे भी चलेगी, गलियों में भी चलेगी, खेत साइड भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, हाईवे पे भी भगाएंगे, तो भाई टोटल निकल के आना चाहिए अपना ये है। तो भाई, हर तरह के डाउट यहाँ पे सॉल्व हो जाए, पूरी टंकी तभी खाली होगी भाई। तो अपन इसको खींच लेते हैं भाई, अभी 90 तक जा रही है ये, 80 80 80 79 78, ऐसे मतलब मैं टोटल चीज का माइलेज निकाल के आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई सवाल ना रहे कि भाई आपने कैसे चलाई कैसे नहीं चलाई। भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पहले गियर में भी चलेगी, दूसरे में भी चलेगी, ऑफ रोड में भी चलेगी, रोड में भी चलेगी, घर में भी चलेगी, गांव में भी चलेगी, और सड़क पे हाई स्पीड 90 97 तक 95 तक जितने तक ही चलेगी वहां तक अपन इसको चलाएंगे भाई। तो अभी देख लो आप 90 91 पे चल रही है, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और जब मुझे मौका मिलेगा तो तेज भी चलाऊंगा, जब मुझे मौका मिलेगा धीरे भी चलाऊंगा। तो भाई टोटल माइलेज में चाहता हूँ कि आपको मैं निकाल के दूं। अभी 96 97 इसकी टॉप स्पीड निकल के आई, तो भाई उसमें भी अपन ने चलाई इसको। तो अब देखते हैं फाइनली जो है, बेसिकली मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि इको मोड में ही चले, है ना। पावर मोड में अपन किसी और दिन करेंगे टेस्ट, तो भाई ये इको मोड की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो भाई, रेंज जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसकी रेंज भाई चेंज हो गई। अभी 508 किलोमीटर ये और चल जाएगी। पिलर अभी 3 खड़े हैं, बाकी एक ही डाउन हुआ है, और टोटल 1235 किलोमीटर यहाँ पे हमने ड्राइव इसको कर ली है। और देख लो भाई, 64 का यहाँ पे माइलेज दिख रहा है, 64 का इस टोटल ट्रिप में जो है माइलेज दिखाई दे रही थी। तो भाई यही था, आगे और क्लिप्स जोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे भाई। एक दिन का नहीं है, अलग अलग दिन को बनाना पड़ेगा, बाकी कंप्लीट तो जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा। तो भाई यही था।
तो इसके बाद अगले दिन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे किलोमीटर टोटल हो रहे हैं 1318। 1318 वाले दिन भाई इसका जो फोर्थ पिलर था वो भी टपक गया। अब टोटल बचे अपने ये वाले जो दो तो व्हाइट है और एक रेड है, तो भाई यहाँ पे दो पिलर बचे हैं। मतलब वो अपना जो दो पिलर जो है इसके डाउन हो चुके हैं और किलोमीटर आप देख ही लो भाई 1318 किलोमीटर टोटल हुए हैं। तो भाई लोग आज आप देख लो 1525 किलोमीटर टोटल चल चुकी है और 1044 पे अपन ने शुरू करी थी। तो भाई 1525 में से अपन 1044 कम कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे अभी देख लो अभी एक पिलर और बचा है, अभी पूरी टंकी खाली नहीं हुई भाई, अभी पिलर बचा है एक और, बाकी तीन टपक गए हैं। तो अभी और चलेगी एक दो दिन, फिर और आप आगे आपको आगे क्लिप भी दिखाता हूँ। सो भाई आप लोग देख लो यहाँ पे मैं अभी लास्ट स्टेज पे आ गया हूँ। इसी लेवल पे थी गाड़ी जब फ्यूल लिप लिप मतलब इसका जो ब्लिंक कर रहा था फ्यूल इंडिकेटर, तभी अपन ने फ्यूल भरवाया था। और इससे ज्यादा अगर डाउन हो जाता है फ्यूल तो भाई फिर गाड़ी में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपन रिस्क नहीं ले सकते। तो भाई यहाँ पे अभी टोटल किलोमीटर जो है गाड़ी दिखा रही है वो है तो भाई 1616 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 1617 किलोमीटर हो गया। तो भाई ये अपना टोटल जो है किलोमीटर अभी तक यहाँ तक चली है। और अब भाई फ्यूल इंडिकेटर दे दिया है उसने कि फ्यूल भाई एंड पर ही है। यहाँ पे ट्रिप आपको दिखाना चाहूंगा भाई, ये हो रहा है 572.2 कुछ हो रहा है, 572। तो भाई अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये यहीं पर एंड करते हैं भाई इस बात को। अब यहां तक चली है गाड़ी, मतलब कि टोटल गाड़ी जो है 572 किलोमीटर। तो भाई बाइक पर तो अपन ने पूरी रीडिंग अपनी कंप्लीट कर लिया भाई, मैंने यहाँ पर जो है कैलकुलेशन भी करके देख लिया है अपन ने भाई। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो रीडिंग 1044 किलोमीटर जब चली हुई थी टोटल, उसके बाद अपन ने टैंक फुल करवाया, फिर एंडिंग में 1616 मतलब 1616 किलोमीटर पे एंड हो गई थी। तो भाई यहाँ पे अपन ट्रिप में भी आपने देखा तो भाई आप 572 किलोमीटर मतलब 572 किलोमीटर ये टोटल चली 10 लीटर पेट्रोल, 10 लीटर के समथिंग में। अब उसमें थोड़ा बहुत होगा भाई, वो छोटे मोटी चीज को कौन ही उसको मैटर नहीं करता वो। तो भाई पर 1 लीटर का यदि अपन निकालें तो 57.2 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल का आया। तो ये एक ओवरऑल था। अब भाई आप इसमें सिटी का हाईवे का ऐसा मतलब अलग अलग कुछ नहीं कर सकते भाई, अपन जो नॉर्मल चलाते हैं ना 10-15 दिन तक व्यक्ति कहाँ कहाँ चला सकता है, वो सब टोटल इसमें है। तो भाई ये आया पर 1 लीटर का रिजल्ट निकल के आया पर 1 लीटर में 57.2 किलोमीटर मतलब कि 57.2 किलोमीटर निकल के आया। अब भाई आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो बताना भाई, इसमें मेहनत बहुत लगी, तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।